मर्दान में इमारत न होने पर सरकारी स्कूल निजी इमारत में कायम कर दिया गया। किराया अदा न करने पर इमारत के मालिक ने स्कूल को ताले लगा दिए। सूबाई वजीर तालीम के हलके में बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। राहम यूसुफ जई से जानते हैं। राहम, बताइएगा, चिराग तले अंधेरा, स्कूल को ताला लगा दिया गया? जी बिल्कुल, ये मर्दान पार्क होती इलाका है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नवाब खान, जहाँ के तकरीबन मालिक मकान के मुताबिक 16 महीनों से सूबाई महकमे तालीम ने कोई किराया नहीं अदा नहीं किया, जिसकी वजह से ईद की छुट्टियों के फौरन बाद जो कि स्कूल कल खुलने थे, कल से उन्होंने स्कूल को ताला लगाए हुए, और जबकि सैकड़ों बच्चे असातिज़ा समेत स्कूल को आए थे, लेकिन स्कूल को ताला देकर उस स्कूल के सामने बाहर अपने यूनिफॉर्म और किताबों के साथ बाहर खड़े। इस दौरान जब मालिक मकान से हमारा रब्ता तो उनका कहना था कि 16 महीनों से सूबाई हुकूमत महकमे तालीम खासतौर पर थालमा टोल से काम ले रही है और कोई मकान का किराया अदा नहीं कर रहा। इस जमन में दिल्ली शिकायत सिल के एक अहदेदार से भी हमारी बात हुई, उनका कहना था कि इनके लिए किराए का बंदोबस्त अभी हम कर रहे हैं, तहम अभी तक किराया अदा न करने पर स्कूल को अभी भी ताला पड़ा हुआ है और मालिक मकान किसी भी कीमत पर स्कूल को दोबारा खोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि 16 महीने मैंने इंतजार किया, लेकिन 16 महीनों बाद ना तो वजीर तालीम आतिफान ने कोई रब्ता किया और ना ही इस स्कूल के लिए कोई दूसरी जगह का बंदोबस्त किया, तो इस वजह से मजबूरन उनका कहना था कि स्कूल बंद करना पड़ा। जी राहम यूसुफ़ज़ई, शुक्रिया आपका।